कि क्या थाईलैंड में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे कार्स मिल जाती हैं, वेयर टू स्टे इन बैंकॉक। एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है वो है बारिश। व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड गिविंग सो मच ऑफ माई टाइम टू यूट्यूब। हाय, आज बड़ी मुश्किल से अपने आप को पुल करके लेके आई हूँ। पूरे 10 दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई वॉज एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड। क्या हुआ अचानक से सब बताऊँगी। आपके कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं मेरे पास ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उसके भी आंसर दूंगी इसी वीडियो में, इस उम्मीद के साथ में कि आपको तो आंसर मिल जाए और मुझे मेरी खोई हुई एनर्जी। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूषी और मैं बैंकॉक में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ में, और इस चैनल के थ्रू शेयर करती हूँ मेरे लिविंग इन बैंकॉक और ट्रैवलिंग इन थाईलैंड एक्सपीरियंसेस। बाय द वे, आप ट्रैफिक देख सकते हो, बहुत बुरी हालत हो रही है आजकल, और वीकेंड्स पे तो पूछिए मत, इट इज़ इम्पॉसिबल वीकेंड इवनिंग पे इस मुंबई रोड को क्रॉस करना। एनीवेज, अगर आप लोग इस चैनल को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग कि मेरी सिस्टर बैंकॉक आई हुई थी और हम लोगों ने खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया, बहुत सारी तो ऐसी जगह देखी जो मैंने पहले नहीं देखी हुई थी। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हुआ कुछ ऐसा कि जब वो यहाँ थी और इवन उसके आने से पहले बहुत सारी हमने प्लानिंग करी और उसको एग्जीक्यूट भी किया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया, बट जब वो चली गई उसके बाद में आई रियलाइज़ कि जो मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है विच इज़ लिविंग इन बैंकॉक, मतलब ट्रैवलिंग इन थाईलैंड तो एकदम अच्छा था, बट जो लिविंग इन बैंकॉक वाला साइड है वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जहाँ पर बहुत बैकलॉग हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जून में बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो उसकी बहुत सारी प्रिपरेशन करानी है। अगस्त में मकान चेंज करना है तो उसकी बहुत सारी तैयारी करनी है। जुलाई में समर वेकेशन आएगी, उस बीच में वी आर प्लानिंग टू गो टू इंडिया ऑल्सो, उसकी भी तैयारी करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर और टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी डिमांडिंग हो रही हैं, बट वो सब सोचते सोचते लगने लगा कि वाई आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड गिविंग सो मच ऑफ माई टाइम टू YouTube। बट जब ये लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये थॉट्स आते हैं कि थोड़ा सा टाइम कट डाउन करती हूँ, थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ वीकली थोड़ा सा और गैप बढ़ाती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दिस इज़ समथिंग विच गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, और दिस इज़ नॉट लाइक एवरीथिंग एल्स इज़ गिविंग मी स्ट्रेस, बट क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड शेयरिंग इट विद यू ऑल और उसके बाद planning for the another video is something which gives me a lot of positive energy and I feel happy doing that. There is no pressure, there is no I hope you understand. So that is why I am here and abhi main ja rahi hu kuch daily chores karne ke liye, kuch saman lena hai wo sab lene ke liye, and meanwhile I'm talking to you. So bas yahi tha jiski wajah se mujhe 10 din lage वापस आने में, बट नाउ आई एम बैक एंड आई एम वेरी होपफुल एंड आई विल जगल मोर, इट्स ओके, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। क्या हो जाएगा, एक चीज़ बंद कर दोगे तो कुछ और आ जाएगी। सो आई एम बैक नाउ। एनीवेज, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ और टॉपिक्स पे, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो हमारे ट्रैवलिंग वीडियोज़ मैंने अभी निकाले हैं उनके ऊपर। सो वन टू वन आंसर तो मैं कर चुकी हूँ, बट वो क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे थे, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल। तो मैं बस रोड क्रॉस करती हूँ उस साइड से, फिर आपसे बात करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है मिस्टर नितेश मेहता और स्मृति का। स्मृति इज माय फ्रेंड। स्मृति मेरे साथ मेरी पिछली कंपनी में काम करते थे, मतलब 10 years बैक वी यूज टू वर्क टुगेदर। सो दिस इज वाई आई जस्ट लव डूइंग दिस, बिकॉज इतने सारे पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, सो आई एम लविंग इट। सो इनका क्वेश्चन है अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस, कि क्या थाईलैंड में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे कार्स मिल जाती हैं। सो द आंसर इज यस। कुछ कंपनीज हैं जो मना करेंगी, दे विल आस्क फॉर IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, बट मोस्ट ऑफ द रेंटल कंपनीज विल गिव यू, बट वो साथ में एक वार्निंग भी देंगे कि अगर पुलिस ने कहीं पकड़ा बीच में, सो पुलिस मोस्ट लाइकली विल आस्क फॉर IDP ओनली। उस केस में जो चालान होगा वो आपको खुद भरना पड़ेगा। सो अगर बाइक्स वगैरह लेनी है फुकेट में लोकल या किसी एक जगह पर लोकल लेने के लिए, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ले सकते हो, बट अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, जैसे बैंकॉक से फुकेट तक का प्लान अगर आप कर रहे हो, सो
बेटर टू गेट IDP, थोड़ा सा सेफ रहेगा, बिकॉज हाईवेज पे नॉर्मली जो ट्रैफिक पुलिस भी मिलती हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज और फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी. सो द आंसर इज येस एंड नो बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रजत अरोरा का. इनसे मेरा एक्चुअली बहुत बैक फोर्थ हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन हुआ है. इनका क्वेश्चन है बैंकॉक में कहाँ रह सकते हैं, लाइक वेयर टू स्टे इन बैंकॉक. सो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कि एक्चुअल में वो कन्फ्यूजन बहुत नेचुरल है. सो मैंने उनको भी यही आंसर दिया था कि यहाँ पे तीन जगह है रहने की मोस्टली. वन इज सुकुमवित एरिया एंड खाओसान एंड प्रतुनम. सो सुकुमवित एंड खाओसान दोनों में आप कंसिडर कर सकते हो. खाओसान मेजरली बैकपैकर्स का फेवरेट है, वहाँ पे बहुत सारे कैप्सूल होटल्स और हॉस्टल्स वगैरह होते हैं. वेरे सुकुमवित में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे. और सुकुमवित में मैं आपको बस एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, स्पेशली अगर बच्चों के साथ आ रहे हो, तो सुकुमवित में देर इज़ वन BTS, मतलब एक मेट्रो स्टेशन है विच इज़ कॉल्ड एज नाना BTS और अशोक BTS. इन दोनों एरियाज़ में आपको मिलेंगे जो बैंकॉक का रेड लाइट एरिया है, विच इज़ बेसिकली अडल्ट नाइट लाइफ के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है. बच्चों के साथ आ रहे हो तो उन दोनों एरियाज़ के एकदम सेंटर में आप होटल्स अवॉइड करें, रेस्ट इज़ ऑल गुड, आप कहीं भी रह सकते हैं. प्रतुनम इज़ वेरी क्लोज टू सुकुमवित, हार्डली 500-600 मीटर्स अवे, बट प्रतुनम में आपको रीजनेबल ऑप्शंस मिलेंगे कंपैरेटिवली. सो आप प्रतुनम भी देख सकते हो. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप रजत जी मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है. बाय द वे बिक्सी आ गया है, मुझे अंदर जाना है, बट उसके पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर अंदर चलते हैं. वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स पे है, मिस्टर अभिषेक जी का है, दैट वेयर टू स्टे इन फुकेट. सो फुकेट में बेसिकली डिपेंड्स, क्योंकि फुकेट में क्या है, हम लोग जब गए थे हम दोनों टाइम पटोंग बीच के पास में रहे थे. बिकॉज जब एक दो दिन के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बीच भी हो, सो नाइट लाइफ भी दिखे, बस भी दिखे, सब कुछ हो. सो पटोंग इज़ फॉर दैट. पटोंग बीच के आसपास कहीं भी रह सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ एकदम शांति और एकांत के लिए जाना है, आपको बिल्कुल वो नाइट लाइफ नहीं देखनी या एकदम कम भीड़ वाली जगह चाहिए, सो आप कैरन बीच और कांटा बीच वाला एरिया भी देख सकते हो. बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है, सब कुछ अच्छा है. और मूड हो अगर नाइट लाइफ देखने के लिए, सो एनी वेज सब कुछ बहुत पास पास है, आप आ सकते हो. बट हाँ, फुकेट में ग्रैब्स वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स थोड़े से लिमिटेड हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप किसी और आइलैंड पे, सॉरी नॉट आइलैंड बट किसी और बीच पे रह रहे हैं रात में, अगर आप सोचेंगे हम 10 बजे चले जाएँ, सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवर पे करना पड़ेगा. सो प्लान दैट वेज आप उस अकॉर्डिंग बुक करा सकते हैं. सो अब चलते हैं अंदर और दो तीन क्वेश्चन और लूँगी जो सामान लेते लेते करते हैं. लेट्स गो. एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है वो है बारिश, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द पेन. तो बारिश का यहाँ ऐसा है कि यहाँ बारिश कभी भी आ जाती है, सो देर इज़ नो मानसून एज सच. ऑफिशियल जो बारिश का मानसून का टाइम है वो बैंकॉक में है अराउंड जुलाई टू अक्टूबर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई से लेके अक्टूबर, वेर एज फुकेट में इट इज़ जून टू अक्टूबर. बट अभी यहाँ पे बैंकॉक में कभी भी बारिश हो जाती है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे दिन होती है, मतलब कभी ड्रिजलिंग हो जाएगी तो कभी इवनिंग के 3-4 घंटे होगी. बट फुकेट में बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सो एक्सपेक्ट कीजिए कि दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश ज़रूर मिलेगी. लकीली अभी तक हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, कभी बारिश अगर आई भी है सो इट वॉज़ फॉर अ फ्यू आवर्स विच इज़ ओके. बट हाँ, ह्यूमिडिटी के लिए बी प्रिपेयर, अभी बहुत ह्यूमिड है, इवन बैंकॉक बहुत ह्यूमिड है. सो यस, मानसून है, बारिशें आपको मिल सकती है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक. यहाँ पे ना ऐसे कट फ्रूट्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, सो विच इज़ गुड थिंग. सैलड्स के प्लेट्स और फ्रूट्स के ऐसा आराम से मिलते हैं. बट एनीवेज मैं यहाँ ये लेने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ गैस कैनिस्टर्स लेने के लिए. वो ख़त्म हो गया था इसी के लिए आना पड़ा. और बिक्सी इज़ द नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर आप बोल सकते हो जहाँ पे मुझे वो मिलेंगे. सो लेट मी क्विकली ग्रैब दैट. दिस इज़ द वन. ये बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, सो ये क्विकली दो लेते हैं और बस डन. ये गैस कैनिस्टर्स है ना, ये मैंने आपको, अगर मैक्रो का वीडियो आपने मेरा भी देखा हो, मैंने वहाँ पे आपको ये गैस दिखाई थी, छोटी सी आती है पोर्टेबल सी गैस, विच इज़ वेरी गुड. यहाँ पे पिकनिक्स वगैरह में बहुत लोग यूज़ करते हैं, और फुलके बनाने हैं अगर फुली फुली रोटियाँ खानी है तो उसके लिए इट इज़ दी बेस्ट. लाइन कहाँ है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बिक्सी में कि वीकेंड्स पे तो ये सारे काउंटर खोल देते हैं, और वीकडेज में जब भीड़ कम होती है तो ये काउंटर्स भी कम कर देते हैं, सो इट इज़ सेम, वेटिंग टाइम उतना ही होता है. मुझे इस बिलिंग लाइन में खड़े हुए सीरियसली 10 मिनट हो चुके हैं, बट
आई हाईली अप्रिशिएट द राइट बट आई हाईली अप्रिशिएट द पेशेंस जो हाई पीपल में होता है. और सेम चीज़ मैंने इनको गाड़ी चलाते हुए देखा है, लोग लेन ड्राइविंग करते हैं, मतलब बिल्कुल इधर इधर नहीं करेंगे और खड़े रहेंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा. अभी ये हमारे इंडिया का काउंटर होता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न. खड़े चुपचाप थोड़ा मेरे पीछे देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है. पेशेंस ऋषि शर्मा, पेशेंस आई हैव टू लर्न. मतलब अंदर से कुछ हो रहा है कि मैं चेंज कर लूँ या, बट आई एम लर्न, होपफुली जल्दी सीख जाऊँगी. हो गया फाइनली, 5 मिनट का काम था, उसमें लिटरली आज तो 15-20 मिनट्स लग गया लाइन में. बट एनी वेज आई एम डन, अभी मैं बाहर जा रही हूँ और फिर एक लास्ट क्वेश्चन पर बात करूँ. क्वेश्चन वॉज कि मैंने जो फुकेट का वीडियो डाला है विद माई सिस्टर, उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि आपने फुकेट जाने के बाद में सिर्फ लोकल बीचेस देखे, आइलैंड्स क्यों नहीं देखे. सो नाइस, वेरी जेन्यून क्वेश्चन. बट एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने इस बार प्लान भी नहीं किया, बिकॉज दिस टाइम आई वॉज देयर विद माई सिस्टर और मेरा प्लान था उसको थाईलैंड इन्जॉय कराना, ना कि कुछ ऐसी जगह दिखाना जो बहुत खूबसूरत है बट वहाँ पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल है वो उसको परेशान करेगा. सो दैट वॉज द मेन एजेंडा, मेन आइडिया. और मैंने ऑलरेडी यहाँ के आइलैंड्स देखे हुए हैं पहले, बट इतने सारे हैं कि देर इज़ नो एंड. तो आइलैंड्स एक देखा या आइलैंड दो देखे या आइलैंड एक भी नहीं देखा डज नॉट मैटर, बिकॉज वो एक डायलॉग है ना कि जितना भी ट्राई करो बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. सो जहाँ हैं फिलहाल वहाँ का मज़ा लेते हैं. आप मुझे बताओ कि ये डायलॉग कौन सी मूवी का है, बट आई जस्ट लव्ड इट और आई लिटरली ट्राई टू प्रैक्टिस इट एज मच एज आई कैन. एनी वेज ये बड़ा ज्ञान था मेरा जो मैंने दे दिया. आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी, जस्ट हैव अ लुक. ये सारे यहाँ पे अभी लंच करने के लिए आए. दिस इज़ वॉट थाईलैंड इज़ ऑल अबाउट. यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे लोग खाना ही नहीं बनाते हैं और बस ऐसे ही लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में आपको इतनी भीड़ मिलेगी देखने को. ऑफिस जब छूटता है तो लोग बस अपने हाथ में ऐसे पैकेट्स पैक करा के और निकल जाते हैं. सो मैं आ गई हूँ अब अपना शॉपिंग करके और आप लोगों से बात करके बाहर. और यस, ऐसे भी रोड क्रॉस कर सकते हैं खाली है तो, करना नहीं चाहिए बट खाली थी तो मैंने कर लिया, माय बैड. ऑलराइट दोस्तों, बस मैं आ गई हूँ मेरे घर तक वापस. इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, बट लास्ट में अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच. एक चीज़ जाते जाते और बताना चाहूँगी कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो और रिकॉर्ड किया था और बहुत अच्छे टॉपिक पे था, बट वो इतना गंदा बना बिकॉज आई वॉज मेंटली नॉट स्टेबल और आई वॉज नॉट इन अ हैप्पी मूड. बस वीडियो बनाने की सेक से मैंने बनाया था. सो आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट इट, बट आई विल कीप दैट वीडियो विद मी फॉर एवर एज अ रिमाइंडर कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हम मेंटली पॉजिटिव नहीं होंगे, वी कैन नॉट गिव पॉजिटिव वाइब्स. सो वो वीडियो मैं कभी पोस्ट नहीं करने वाली, बट आई विल, एज आई सेड, आई विल ऑलवेज 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 कीप इट विद मी सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड आई कैन स्प्रेड दैट हैप्पीनेस. और इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ. आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, आई बैडली नीड इट. और आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर इन्फॉर्मेटिव एंड यू विल लव इट. टिल देन टेक केयर एंड बाय.